नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के सामने मेथी की ऐसी सब्जी लाई हूँ जो बहुत ही खाने में टेस्टी होती है और बहुत ही कम तेल मसाले में बनकर तैयार होती है। तो मेथी आलू तो आपने बहुत बार खाया होगा, इस एक बार आप इस तरह के मेथी भाजी खाइए, आपको ज़रूर पसंद आएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। तो यहाँ पे मैंने दो बंडल मेथी को अच्छे से 3 से 4 बार पानी से धो लिया है। आप खड़ी जो हरी सब्जी होती है उसको खड़े में ही वॉश कीजिए, उसके बाद इसको जब पानी अच्छे से निथर गया तो उसको बारीक काट लिया है। 2 बड़ा साइज का प्याज है उसको मैंने पतला और लंबे में कट किया है। थोड़ा सा लहसुन की कलियाँ हैं और हरी मिर्च है 2 से 3। यहाँ पे मैंने कढ़ाई में सरसों का तेल गर्म होने के लिए पहले से रखा था। तेल अच्छा गरम है, लगभग 1 बड़ा चम्मच सरसों का तेल डाला है। जब तेल अच्छा गरम हो जाए तो आधा छोटा चम्मच जीरा ऐड करेंगे। जीरे को अच्छे से चटकने देंगे और उसके बाद इसमें हम ऐड कर देंगे 1/4 चम्मच हींग। हींग ज़रूर ऐड कीजिएगा, इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। जब अच्छे से घी जीरा और हींग भुन जाए उसके बाद इसमें कटे हुए लहसुन डाल देंगे। तो इसमें थोड़ा सा आप लहसुन की क्वांटिटी ज़्यादा रखिएगा, इसका स्वाद बहुत ही अच्छा आता है। और लहसुन को थोड़ा सा लाल होने दीजिएगा दोस्तों, तो इससे सब्जी का जो टेस्ट है ना सौंधा लगता है। जब लहसुन थोड़ा सा लाल हो जाए तब इसमें हम ऐड कर देंगे हरी मिर्च और प्याज को। तो देखिए लहसुन बहुत ही अच्छे तरीके से भून चुका है, तो इसमें हम हरी मिर्च को भी ऐड कर देते हैं और प्याज को भी ऐड करके भूनेंगे। तो प्याज का हमें थोड़ा सा कलर हल्का सा चेंज करना है, तब तक इसे भूनना है। तो यहाँ पे सभी प्याज को मैंने डाल दिया है। तो यहाँ पे 2 बड़े साइज के प्याज थे, इसको पतला लंबे स्लाइसेस में कट किया है मैंने। तो इसे डालकर अच्छे से मीडियम टू हाई आँच पर इसको हमें पकाना है, तब तक जब तक इसका कलर थोड़ा चेंज ना हो जाए। और आप देख सकते हैं प्याज बहुत ही अच्छे तरीके से भुन चुका है, प्याज का कलर एकदम चेंज हो गया है। अब इसमें हम ऐड करेंगे, यहाँ पे 1 छोटा सा टमाटर लिया है, ये पूरी तरह से ऑप्शनल है। अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं या स्किप कर सकते हैं। टमाटर डालने के बाद इसमें हम ऐड कर देंगे नमक, ताकि जो टमाटर है हमारा गल जाए, और इसके साथ साथ स्पाइसेस भी ऐड कर देंगे। तो 1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर ऐड करेंगे और उसके साथ साथ इसमें जाएगा 1/2 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, और टेस्ट के अकॉर्डिंग आप लाल मिर्च यूज़ कीजिएगा। तो मैं बहुत ही थोड़ा सा डाली हूँ क्योंकि ये सब्जी बहुत ही हल्के फुल्के मसालों में ही अच्छी लगती है। इसे हमें अच्छे से भून लेना है, जब तक टमाटर हमारा गल ना जाए। तो अभी इसी स्टेज पर हम इसमें नमक भी ऐड कर देते हैं, ताकि जो हमारा टमाटर है बहुत ही जल्दी से गल जाए। अभी मैंने इसमें नमक ऐड नहीं किया था, तो 1 छोटा चम्मच मैं नमक डाल देती हूँ और ढलकर अच्छे से मिक्स करेंगे। तब तक जब तक प्याज और टमाटर अच्छा सॉफ्ट ना हो जाए, तब तक इसे हमें ऐसे ही पका लेना है। तो एक बार आप मेथी की सब्जी इस तरह से बनाइए, आप 2 की जगह 4 रोटी खाएंगे और ये सब्जी बिल्कुल भी कड़वी नहीं होती दोस्तों, एक बार इसे ज़रूर बनाकर देखिएगा। तो इसे हम थोड़ा सा कवर करेंगे ताकि जो प्याज और टमाटर अच्छा सॉफ्ट हो जाए। 2 से 3 मिनट तक इसको हमें ढककर बीच बीच में चलाते हुए पका लेना है। तो इसको मैंने यहाँ पे बीच में एक बार चेक करके पका लिया था, और आप देख सकते हैं प्याज और टमाटर बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है। एक बार कलछी से आप मैश कर लीजिए और उसके बाद इसमें हम डालेंगे अपना जो मेथी काट करके रखा था उसको। तो मेथी को आप डालकर बिल्कुल भी इसको हमें कवर करके नहीं पकाना है, इसी तरह खुला पकाना है। तो पहले सभी मेथी को मैं ऐड कर देती हूँ। तो मेथी आप पहले अच्छे से धो लीजिए और उसके बाद उसका पूरा पानी निथरने के बाद ही कट कीजिए। अगर इसमें ज़रा सा भी पानी रहेगा तो ये कड़वा होने लगता है, तो इसीलिए इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए। और इसे अगर हम ढककर पकाएंगे तभी भी ये पानी छोड़ने लगता है, तो जिससे हमारी मेथी कड़वी हो जाती है। अगर इस तरह से बनाएंगे तो बिल्कुल भी कड़वी नहीं होगी। तो इसे हम ऐसे ही खुले में चलाते हुए लगातार पका लेंगे। तो मेरी कढ़ाई छोटी थी, तो मैं 2 से 3 बैचेस में डाली हूँ और इसको डालकर पकाएंगे अच्छे से। तो लोहे की कढ़ाई में साग और भी टेस्टी लगता है, तो एक बार आप इस तरीके से बनाइएगा, आपको बहुत ही पसंद आएगा। तो यहाँ पे हमने सभी मेथी को डाल दिया है, अब इसी तरह से हमें बीच बीच में चलाते हुए पका लेना है। ये साग बहुत ही हेल्दी भी है और टेस्टी भी है, रोटी राइस सभी के साथ अच्छा लगता है, एक बार इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ये कुछ ही समय में आप देख सकते हैं ये बिल्कुल अच्छा सॉफ्ट पक गया है और इसका कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ है दोस्तों। इसे आप खुले में ही पकाइए, ढकना मत दोस्तों, तो आप ये बिल्कुल भी कड़वे नहीं होंगे। और आप देख सकते हैं इसका कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ है और बिल्कुल सॉफ्ट हो चुकी है। तो जब तक ये बिल्कुल पानी इसका ड्राई ना हो जाए, तब तक इसे हमें ऐसे ही पकाना है। तो दोस्तों, अगर आपको आज की ये रेसिपी पसंद आई होगी छोटी सी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि जब भी मैं कोई इस तरह की रेसिपीज डालूँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे
से पहले पहुंच जाए। तो यहाँ पे हमारी मेथी की भाजी बनकर हो गई है तैयार। आप इसे रोटी, पराठे या राइस के साथ खाइए, सभी के साथ ये बहुत ही ज़बरदस्त लगती है। तो यहाँ पे देखिए आप, इसका कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ। इसे मैंने पूरे खुले में ही पकाया है और हाई टू मीडियम फ्लेम पर। तो इसको मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। तो दोस्तों आपको आज की ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। मेथी आलू खाकर हो गए हों बोर, तो इस सब्जी को बार ज़रूर बनाइए, आपको बहुत ही पसंद आएगा। आप देख सकते हैं कितना देखने में बहुत ही हेल्दी और बहुत ही टेस्टी है दोस्तों। आप इसे राइस के साथ खाइए, प्लेन रोटी के साथ खाइए, पराठे के साथ खाइए, सभी के साथ ये बहुत ही अच्छा लगता है। आप इसे लंच बॉक्स में भी पैक करके दे सकते हैं, बिल्कुल ही लीक नहीं होगा और बहुत ही कम तेल मसाले में बनकर हेल्दी सा हमारा मेथी की सब्जी हो गई है तैयार। तो आई होप आपको आज की ये रेसिपी पसंद आई होगी। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक इसी तरह घर का हेल्दी खाइए, हेल्दी रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।